नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ सोइल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का सेकंड यहां पे सेकंड पार्ट जो आता है यहां पे ये बिल्कुल अलग पार्ट है बट इसी चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। तो यहां पे सोइल फॉर्मेशन ऑफ सोइल सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है सोइल के बारे में हम बात करें तो सोइल के एक ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये हमारे को ग्रोथ प्लांट और एनिमल की ग्रोथ में जो है हेल्पफुल करते हैं। इस यहाँ पे एक्चुअली सोइल के बिना लाइफ एग्जिस्टेंस अर्थ पे जो है पॉसिबल नहीं है। तो एक तो प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज है और इसकी सबसे मेन थिंग अब आते हैं हमें यहाँ फॉर्मेशन पे। तो हम जानते हैं कि फॉर्मेशन पे या सोइल की एज जो है उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितने टाइम पीरियड में जो है वो उनकी बनने में जो है उसमें टाइम लगा है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि फ्यू सेंटीमीटर सोइल की फॉर्मेशन बनने में जो है मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है फॉर्मेशन के सोइल में तो सबसे पहले की फॉर्मेशन में कौन कौन जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो एक तो रिलीफ फीचर्स जहां पे सोइल बनी है वहां के रिलीफ फीचर्स इंपोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। उसके बाद पेरेंट रॉक यानी जिस रॉक के वजह से उसकी वेदरिंग होकर वो फॉर्मेशन हुई है सोइल की और दैट इज पेरेंट रॉक। उसके बाद थर्ड थिंग है क्लाइमेटिक कंडीशन। ये क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है कौन से क्लाइमेट में वो सोइल का फॉर्मेशन हुआ है वो वार्म क्लाइमेट में हुआ है या ह्यूमस क्लाइमेट में हुआ है कोल्ड में हुआ है उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वहां की सोइल का फॉर्मेशन होगा और वहां की कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ऑर्गेनिक और केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है उसी के क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी। उसके बाद वेजिटेशन भी यहाँ पे एन अदर इम्पोर्टेंट अदर फॉर्म ऑफ लाइफ वेजिटेशन से वेजिटेशन यहाँ की वहां की वेजिटेशन क्या है वहां पे अगर वार्म क्लाइमेट होगा तो वहां की वेजिटेशन वार्म होगी। उसके बाद वहां की वेजिटेशन जो है वो थ्रोनिक होगी या माउंटेनियस फॉरेस्ट होगी तो माउंटेनियस फॉरेस्ट पे अलग वेजिटेशन होगी। तो डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन जो है यहाँ पे अलग अलग पार्ट में। उसके बाद अदर फॉर्म ऑफ लाइफ किस तरह से जो है ये मैटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपन बात करते हैं वेरियस फोर्सेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही आपको मेन पार्ट है जो इस डेफिनेशन में लर्न करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो सोइल का फॉर्मेशन जो होता है वो एक तो साइमल्टेनियसली एक्टिविटीज है एक्चुअली बनना और जो है इसका डिकम्पोजिशन इसमें फॉर्मेशन में सोइल की फॉर्मेशन जो है साइमल्टेनियसली एक्टिविटीज है ये इसकी वेदरिंग यानी सोइल इरोजन एंड सोइल फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली एक्टिविटीज है ये दोनों एक साथ होती है। तो इसमें जो है मेन इंपोर्टेंट पार्ट जो है वेरियस फोर्सेस जो यूज कर जो यहाँ पे सोइल फॉर्मेशन में इंपोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं वो है टेम्परेचर जो है कम या ज्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे उसमें चेंजेस आते हैं पेरेंट रॉक में और वो रॉक्स का रॉक की वेदरिंग कंडीशन होती है। उसके बाद एक्शन ऑफ रनिंग वाटर ग्लेशियर्स विंड इनकी एक्टिविटीज की वजह से क्या है सोइल की वेदरिंग होती है और वेदरिंग होने की वजह से वो एक वन प्लेस अनदर प्लेस पे जो है वो यहाँ पर डिपोजिशन का वर्क करती है। उसके बाद एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर उसकी ऑर्गेनिक मैटर को जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक एक्टिविटीज करते हैं और ऑर्गेनिक केमिकल प्रॉपर्टीज को जो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे डिकम्पोजर्स का भी यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर ये केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस जो आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग और जो एरिया रीजन के अकॉर्डिंग वो भी इसमें इंपॉर्टेंट जो है सोइल के फॉर्मेशन में होते हैं। तो सोइल फॉर्मेशन को आप इजी पॉइंट में लर्न करो ये सीधे तो मेन पॉइंट्स है आपको डेफिनेशन में लिखो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे बट आप यहाँ पे क्वेश्चन कम आते हैं अगर आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा अदरवाइज नहीं आएगा। तो फर्स्ट रिलीफ फीचर पेरेंट रॉक क्लाइमेटिक कंडीशन वेजिटेशन इन अदर फॉर्म्स लाइक वेरियस फोर्सेस को आप डेनुडेशन भी वर्ड यूज कर सकते हो डेनुडेशन जैसे लाइक द टेम्परेचर एक्शन ऑफ रनिंग वाटर विंड ग्लेशियर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर एंड केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस। इसके ये हो गया आपके सोइल फॉर्मेशन और सोइल की बारे में। इसके बाद अपना आते हैं इनके सोइल फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट सोइल आती है एलुवियल सोइल। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी में ये इंपॉर्टेंट है सोइल सभी इंपॉर्टेंट है सोइल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सोइल को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है ये सबसे ऐसा तरीका में सबसे पहले फॉर्मेशन क्या है ये आप 3 से 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है 4 से 5 में अलग अलग सोइल्स के अलग अलग होंगे जिसमें आपको इजिली जो है ये लर्न हो जाएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे फॉर्मेशन किस किस से हुई है तो फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे एलुवियल सोइल फॉर्मेशन हुई है डिपोजिशन हुई है नॉर्थ पार्ट में जो है एलुवियल सोइल का फॉर्मेशन होता है। 3 मेन रिवर्स है हिमालय रिवर्स गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इंडस इन नॉर्थन पार्ट में जितना भी एलुवियल सोइल का डिपोजिशन हुआ है इन तीनों रिवर्स की वजह से हुआ है। उसके बाद सेकंड पार्ट है यहाँ पे महानदी कावेरी
कृष्णा और गोदावरी रिवर, ये है साउथ और ईस्टर्न पार्ट जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है इन रिवर्स के कंट्रीब्यूशन यानी डिपोजिशन की वजह से, इन रिवर्स के कंटिन्यू डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे एलुवियल सोइल का डिपोजिशन हुआ और सोइल का फॉर्मेशन हुआ है, और धीरे धीरे ये रीजन जो है यहाँ पे एलुवियल सोइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन हो गया फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में आप देखो रीजन, तो कौन कौन से रीजन में जो है एल्यूवियल सोयल मिलती है, नॉर्थन पार्ट पूरा एल्यूवियल सोयल है, इसीलिए जो है नॉर्थन पार्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी होती है, नॉर्थन प्लेन ओनली, नॉर्थन प्लेन जो रीजन है उस वाले पार्ट में, नॉर्थन प्लेन में मोस्टली आपको एल्यूवियल सोयल ही मिलेगी। राजस्थान का कुछ नेरो कॉरिडोर है वहां पे एल्यूवियल सोयल मिलती है आपको। उसके बाद यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल रीजन है यहाँ पे आपको एल्यूवियल सोयल मिलती है। दो दो टॉपिक हो गए अपने, मतलब दो पॉइंट्स हो गए फॉर्मेशन और रीजन। थर्ड पार्ट है यहाँ पे टेक्सचर, इसका टेक्सचर जो है सैंडी भी है, सिल्टी है, क्ले है, और कभी कहीं कहीं पे इसकी साइज जो है बिगर भी है। ये अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता रहता है। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसके अंदर, तो इसमें आपको जो है एडिक्यूट प्रोपोर्शन में जो है आपको पोटास मिलेगा, पोटास यहाँ पे आपको एडिक्यूट प्रोपोर्शन में मिल जाएगा। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा आपको यहाँ पे, और उसके बाद आपको है लाइम, यहाँ पे ये कंटेंट है। आपको एजीटी जैसे कैसे लर्न करना है, इन्हीं पॉइंट्स में लर्न करना है, और इसके साथ ऐसी किसी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना है। उसके बाद कौन कौन सी क्रॉप के लिए एलुवियल सोइल जो है आइडियल है, तो ये शुगर केन है, वीट है, पेडी है, सीरियल्स क्रॉप है, अदर सीरियल क्रॉप्स है, एंड पल्सेस है, ये जो है आइडियल है इनके लिए। उसके बाद इसमें दो वर्ड है उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ पे स्पेशली अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे, भांगर और खादर क्या है, और भांगर और खादर में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो भांगर क्या है, ओल्ड एलुविल सोयल है, खादर क्या है, न्यू एलुविल सोयल है। भांगर लेस फर्टाइल होती है और खादर मोर फर्टाइल होती है। उसके बाद भांगर में कंकर होते हैं इसलिए ये फर्टाइल कम होती है। उसके बाद यहाँ पे ये खादर जो है वो एवरी ईयर रिन्यू होती रहती है क्योंकि ये तेराई वाले रीजन में मिलती है, और भांगर जो है वो एवरी ईयर रिन्यू नहीं होती इसलिए ओल्ड एलुवियल सोयल है। ओल्ड एलुवियल सोयल के बाद अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सोयल है अपने यहाँ पे ब्लैक सोयल, इसको रेगर सोयल के नाम से भी जाना जाता है।